Hey, hai. Can you see the screen? Please let me know in the chat box. Hi, bachelors! Yes, yes, yes! We are back. Good evening, everyone. I hope everyone is doing well. Actually, well. Good afternoon. I hope everyone is doing well, and you know, you guys are ready for this session. Please let me know in the chat box that you can see me, you can hear me. You know the drill. Come on, everyone. And I am going to set the chat box so that I can hear you. परफेक्ट सब बढ़िया एवरीथिंग इज गुड राइट आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड टूडे वी आर डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हर साल जेई इससे सवाल पूछता है मेन्स में भी आते हैं एडवांस में भी आते हैं आज के सेशन में भी मेन्स एडवांस सब के क्वेश्चन लेकर आया हूँ लास्ट में खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में पीवाई के यूज कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते ही हैं तो बहुत सारे सवाल लेकर भी आया हूँ ठीक है

ऐसी बेटा तीन तारीख को भी एक लेक्चर है लेक्चर नंबर टू आइसोमेरिज्म स्टार्ट कराऊंगा वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और बेटा आज हम समझेंगे नेमिंग कंपाउंड्स की ठीक है ऑल राइट right. बहुत जल्दी से एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलीट लाइफ है क्या ये जो अलीट लाइफ मैं बता रहा हूँ अलीट लाइफ ट्वेल्थ क्लास के लिए ये एक यूट्यूब का बैच है जहाँ पर बेटा हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपके कंटेंट की हम कंटेंट के सेशंस को बोलते हैं आधार जैसा ये है

नया सेशन जब भी लेते हो नया चैप्टर जब भी लेते हो, यू ऑलवेज कि इसका रेलेवेंस क्या है क्यों पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी के दिमाग में है सोल्यूशन हम, हमेशा, हमेशा हो चाहे वो काइनेटिक्स हो चाहे वो सॉलिड स्टेट हो करेक्ट मैंने हमेशा बताया है क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इसकी अपलिकेशन की वाई डू वी स्टडी दिस चैप्टर वट इज द नीड ऑफ चैप्टर

कंपाउंड स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत, 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 बहुत आपका हेल्प चाहिए मुझे अब ठीक है, है ये पेंटिंग देख रहे हो ये इस पेंटिंग की वैल्यूएशन 100 मिलियन यूएसडी है 100 मिलियन यूएसडी बहुत महंगी पेंटिंग है और ये जब बनाई गई थी यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा ही बड़ा ही प्यारा ब्लू कलर का, का इस्तेमाल किया गया ये जो ब्लू कलर ना बेटा पहले पहले के टाइम पे ब्लू कलर मिलना बहुत मुश्किल था और जो मिलता भी था ना इट फेड्स अवे वेरी इजीली वे

ब्लू Prussian, Prussian यह एक मैन मेड डाई है और ये एक ऑर्गेनिक सॉरी मैं बार बार से ऑर्गेनिक बोल रहा हूं यह आपका एक इनऑर्गेनिक डाई है बेटा कोर्डिनेशन कंपाउंड है इसका नाम भी याद सिखाऊंगा नामकरण कैसे करना है इसको बोलते हैं आयरन इसका नाम है आयरन हेग्जाइनो फेरेट अब ये कैसे आया वो समथिंग एट दी एंड पर ये बहुत ब्यूटीफुल कलर ब्लू जो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कलर ब्लू बहुत ही वाइब्रेंट कलर मिला और ये बेटा लाइट के कांटेक्ट में आके एयर के कांटेक्ट में आके खराब नहीं होता तो ये पेंटिंग बनी और इसकी वैल्यूएशन आज बहुत पुरानी पेंटिंग है ये हंड्रेड मिलियन यूएसडी है करेक्ट बात समझ पा रहे हो क्लियर हो रहा है तो इसका एप्लीकेशन पेंटिंग में आ गया एकदम से क्योंकि इसका जो कंपाउंड था बड़ा ही प्यारा कलर बड़ा ही बड़ा ही स्टेबल ब्लू कलर मिला इसी तरीके से बेटा आपने आई एम प्रिटी श्योर एलेक्जेंडर द ग्रेट का कहानी तो सुना होगा एलेक्जेंडर द ग्रेट का कहानी सुना है यस डू यू रिमेंबर ये जो ये जो इनका लिबास है ब्लू ब्लू कह रहा हूँ रेड कलर का ये जो लिबास है इनका रेड कलर का ये भी एक डाई से बना है और वो डाई भी यू नो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनी है आपकी कॉर्डिनेशन कंपाउंड है वो डाई एक प्लांट मैडर प्लांट बोलते हैं बेटा उस प्लांट की प्लांट से प्लांट के अंदर बेसिकली एक कंपाउंड रहता है बड़ी समझदारी से अपने ओपोनेंट्स को उल्लू बनाया था कि आजिफ ये दूर से दिखता है कि जो सोल्जर्स थे और जो लोग थे वो सब वॉन्डेड है क्योंकि ब्लू बड़ा ही बड़ा सा ही बड़ा ही प्यारा सा रेड कलर ऐसा लगा कि

ये रूट्स आपकी किस कलर की थी रेड कलर की तो उससे कलरफुल कंपाउंड्स कलरफुल ये जो कंपाउंड थे उनसे आपने अपने कपड़ों पे कलर भी डाल दिया करेक्ट एक तरीका ये एक और चीज बताऊ एक और चीज बताऊं विच विल ब्लो योर माइंड विच विल ब्लो योर माइंड ये चीज शायद आप जानते होंगे आई डोंट नो कितने बच्चे जानते होंगे इसको क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट जो पति आपको ग्रीन कलर की दिखती है राइट right? वो किसकी वजह से है इट्स बिकॉज ऑफ द देशन कंपाउंड यहाँ पर मैग्नीशियम बैठा होता है एक कॉर्डिनेशन कंपाउंड होता है और यहाँ पर जो मेटल आयन है ये खूब जनरल नॉलेज के सवाल में भी, भी आ जाता है ये खूब जनरल नॉलेज के सवाल में भी आ जाता है कि जो पतियां हैं वो ग्रीन कलर की है वहाँ पर जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है वो कौन से मेटल आयन का इस्तेमाल कर रहा है मैग्नीशियम आयन का एम होता है यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जो आपको पतियां ग्रीन कलर की दिखती हैं, because of this reason only. है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है क्लोरोफिल के अंदर कॉर्डिनेशन कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है आपको याद नहीं करना है अभी अभी नहीं याद करना है इस लेवल पे पर आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में एक कॉर्डिनेशन कंपाउंड बना होता है मैग्नीशियम वहां पर मेटल आयन रहता है और एम जी प्लस टू रहता है इसी तरीके से बेटा आप जो सांस लेते हो ह्यूमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर ह्यूमोग्लोबिन होता है और ह्यूमोग्लोबिन मेक श्योर करता है कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पूरी अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट करे समझ रहे हो क्योंकि आपका ब्लड हर जगह जाता है आपकी बॉडी में और ब्लड के अंदर होता है ह्यूमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को बेटा अटैच करवाता है जब आप सांस लेते हो लंग से वो ऑक्सीजन लेता है और आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तभी आप सांस ले पा रहे हो और ना ही सिर्फ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बेटा वो उसको वापस लेकर भी आता है आप आराम से एक्सेल भी कर देते हो आप नोटिस भी नहीं कर रहे हो ये सब संभव हो रहा है हीमोग्लोबिन की वजह से और हीमोग्लोबिन के अंदर भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कौन सा मेटल बैठा हुआ है बेटा आयरन लगा हुआ है क्या लगा हुआ है यहाँ पर आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ है अब ये क्या चीजें हैं हम समझेंगे और आप देखोगे कलर भी आ रहा है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है खूब खूब वाइब्रेंट कलर्स देते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं इनसे ठीक है और बहुत सारे डाइज में इस्तेमाल होते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल से एग्जांपल दिया आपको ब्लू कलर का जो पेंटिंग में इस्तेमाल हो गया फिर कपड़ों में इस्तेमाल हो गया राइट एलेक्सेंडर के टाइम पे इस्तेमाल हुआ था सोचिए आज भी कितने जितने भी वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं हमारे को कॉर्डिनेशन कंपाउंड से मिलते हैं ठीक है क्या बातें समझ आ रही है एवरी वन इज क्लियर यूज समझ आया आपके ब्लड के अंदर है यानी कि आपकी बॉडी के अंदर है कॉर्डिनेशन कंपाउंड आपके प्लान के अंदर क्लोरोफिल के अंदर है साथ ही साथ बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे कलरफुल कंपाउंड्स सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही आते हैं बहुत सारे बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे वाइब्रेंट कलर्स देता है क्या बातें समझ आ रही है अगर ये चीज अच्छी लगी तो यार मैं आपको और आगे चीजें बताना चाहूंगा जरा देखो तो ट्रांजिशन मेटल जो है इस्तेमाल होता है कॉर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डी ब्लॉक के डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो जनरली यूज होते हैं आपके किसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए और ट्रांजिशन मेटल जहां पर D1 वन टू डी नाइन कॉन्फिगरेशन होती है बेसिकली ये या ये या एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं फॉर मेकिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहली चीज बात समझ आ रही है हम क्या क्या समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो भी समझ लो हम देखने वाले हैं कि ये कंपाउंड बनते कैसे हैं इनका नामकरण कैसे होगा हम ये भी देखने वाले हैं क्या थ्योरी रही है

आप मानोगे एक एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे देखिए पे एक कलर मिलने वाला, आपको मिलने वाला है आपको वेराइटी ऑफ कलर मिलने वाले हैं कि बॉन्डिंग चेंज हो गई यू नो योर बॉन्डिंग इज चेंजिंग एंड यू नो यू आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ग्रीन डार्क ग्रीन पर्पल एक ही कंपाउंड से एक ही कंपाउंड से यू कैन गेट डिफरेंट कलर्स अब कलर्स का आपको रट्टा नहीं मानना सर ऐसा करना है क्या हमारे को याद करने पड़ेंगे ये कलर नहीं मैं वो भी पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे आप प्रेडिक्ट कर लो कलर्स जेई में क्वेश्चन आने वाले हैं उसके ऊपर पर आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर मैं बताना चाह रहा था सिर्फ एक सिंपल सी चीज कि कॉर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे कलर्स मतलब जितने भी आपके पास बढ़िया वाइब्रेंट कलर्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स और एक कंपाउंड सिर्फ एक कलर नहीं दे सकता अगर आप उसके अंदर उसकी लिंकेज को चेंज कर दो उनके उनके बॉन्ड्स को चेंज कर दो बेटा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे एक ही कंपाउंड से मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाह रहा था और रीजन क्यों है हम ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पर क्यों लेते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और वो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही गेम चेंजर है वो ही गेम चेंजर है अभी वो समझाऊंगा ठीक है समझ पा रहे हो क्लियर हो रहा है इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो बेटा ये सारी चीजें समझ आ रही है हम क्या करने वाले हैं क्या इनका यूज है आई होप इट इज क्लियर एज वेल आपको यूज भी समझ आ गया है राइट प्रोशियन ब्लू जो कलर था कितना प्यारा था एलेक्जेंडर के टाइम पे रेड कलर प्लांट से निकाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वहां पर ठीक है फिर आपके ह्यूमोग्लोबिन में आपके क्लोरोफिल में वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आज अभी क्लास में भी देखेंगे ठीक है क्लियर हो गया तो इट्स वेरी वेरी एंशिएंट अभी नहीं बना है ये अभी ये नहीं है कि आप बोलोगे कि सर हमारे लिए नया-नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे सिलेबस में डाल दिया बहुत पहले से ये है और आप हम बस पढ़ रहे हैं उसको ठीक है चलिए क्लियर हो गया व्हाई डू वी नीड टू स्टडी तो अगर अच्छा लगा ये सब कुछ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ठीक है अगर अब तक नहीं कराया अगर आप नए हैं तो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं मेक श्योर यू सब्सक्राइब लाइक दिस इमीडिएटली मतलब ये वीडियो को जल्दी से लाइक करो आई सी मोर पीपल लेस पीपल लाइकिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक इट ठीक है साथ ही साथ एक गोल्डन टाइम ये है बताने के लिए बेटा कि अगर आप इस टाइम रिविजन करने आए हो अभी आप जेई ट्वेंटी ट्वेंटी वन के स्टूडेंट हो योर टारगेट इज जेई ट्वेंटी ट्वेंटी आप रिविजन करने आए हो इस सेशन के साथ आए हो यहाँ पे रिवाइज करने मैं जानता हूं अगर आप बेटा मेरी बात सुनना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानता हूं इंपॉर्टेंट है अगर आप ढंग से पढ़ते रहो तो एंड में आप जो भी आपका कॉन्टेंट है आप भूलोगे नहीं जो भी आप कॉन्टेंट चाहते हो दिमाग में रखना अगर आप उस पर खूब सारे क्वेश्चन करो तो बिल्कुल नहीं भूलोगे तो ये क्रैश कोर्स एक बहुत बढ़िया तरीका है 45 फाइव पावर पैक सेशन है बेटा यहाँ पर आप सब कुछ अपना कंटेंट पूरा थ्योरी याद कर लोगे क्वेश्चंस के थ्रू अपनी थ्योरी याद करोगे आपको यहाँ पर मॉक मॉक टेस्ट 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 टेस्ट। भी देने वाले हैं बेटा। यहां पर आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, 10 पार्ट टेस्ट 10 फुल टेस्ट। पार्ट एंड फुल मतलब आधा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, है बिल्कुल एक्यूरेसी के बारे में बताया जाएगा आपको बताया जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक

तो आपको थ्योरी भी अच्छी करनी है। इस 90, आप देख पावर पैक सेशन है तो यहाँ पर तो हम इतने इतने डिटेल में आपको बताने वाले कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इतने ढंग से कर लो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो कि ये चीजें तो आती ही आती है अब आपको हम इनमें पक्का कर देंगे हमारा गारंटी है ये बात समझ पा रहे हो जिनकी नाइन्टी परसेंटाइल से कम थी उनके लिए तो हार्ड कोर रिकमेंडेशन है गो फॉर इट क्लियर हुआ कैसे अवेल करना एट एंड आई एक्सप्लेन सिमिलरली जो बच्चे अगले साल जे लिखने वाले हैं बेटा आई हैव टू टेल यू अगर आपको लगता है कि सर मुझे टीचर का कनेक्ट ज्यादा चाहिए यूट्यूब पे मजा आता है पर सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ टीचर से मुझे पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए मेरे को डाउट जो आते हैं अगर वो सॉल्व नहीं हो ना तो मुझे फीलिंग नहीं आती मुझे डर लगता है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता तो बेटा आपके लिए मैं सही बता रहा हूँ देखो अगर आप यूट्यूब से खुश हो गो फॉर इट अगर आपको लगता है सर मुझे पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए अगर आप ही मुझे पढ़ाओ आप ही मेरे डाउट सारे सॉल्व करो मुझे पर्सनलाइज अटेंशन दो या फिर बदानतू के जो बढ़िया बढ़िया टीचर्स है वो मुझे पढ़ा जो खुद आई आई टी एंस एन आई टी एंस है और उनकी गाइडेंस मुझे हमेशा मिलती रहे देन बेटा गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रो सब्सक्रिप्शन इधर बेटा आपकी सारी क्लासेस लाइव है सारा जो कंटेंट पढ़ाते हैं डाउनलोडेबल है डाउनलोड कर सकते हो मोड पे बेटा सर्जिकल स्ट्राइक होती है आपकी वीकनेसेस पे हमेशा टेस्ट होते हैं सारे सीबीटी मोड पे बिल्कुल एनालिसिस आपके आपके माता पिता के के पास पास चली जाती है मम्मी मम्मी पापा के पास। so मम्मी पापा सो दैट यू गेट इंटरवेंशन को पता रहेगा क्या चल रहा है ऑनलाइन पढ़ रहे हो यार मम्मी पापा को पता होना चाहिए ना क्या पढ़ रहे हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कराते हैं हम यहाँ पर पीटीएम आप अपने टीचर से मिलते हो मम्मी पापा के साथ तो अब यहां पर धोखेबाजी नहीं होगी मम्मी पापा को नहीं बताएंगे हम तो टॉप कर रहे हैं और कुछ और चल रहा हो

क्लास के अंदर भी ठीक है जब ड्यूरिंग क्लास आवर्स एक एक्स्ट्रा लेयर है क्लास के बाद तो आप डाउट आपका सपोर्ट भी ले सकते हो मास्टर टीचर से भी बातचीत कर सकते हो वो भी आपके डाउट क्लियर करेंगे मैं करता हूं। मैं मैं करता अपना बैच जो लेता क्लास का मैं वहाँ पे पूरा क्लियर भी करता हूं संकल्प डी डी बैच है मेरा इंग्लिश बैच है आई क्लियर ऑल द पीपल डाउट्स राइट ऑल द स्टूडेंट्स डाउट ठीक है चलो समझ आ गई ये बात क्लियर हो गया तो ये प्रो सब्सक्रिप्शन कैसे अवेल करना है इसको डिटेल में बताऊंगा एट दी एंड की ये क्यों अच्छी है पूरी बताऊंगा एट दी एंड इसके बारे में हाउ टू अवेल लेट्स प्रोसीड क्विकली टू आर नाउ चलो तो एप्लीकेशन क्लियर हो गया लेट्स मूव अब क्विकली स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सिंपल सॉल्ट क्या है समझ लेते हैं सिंपल सोल्ट क्या होता है जब आपने एसिड बेस की रिएक्शन कराई एक सॉल्ट मिल गया बेटा सिंपल सॉल्ट वो है जिसको आप पानी में अगर जब डालोगे जैसे मैं नमक को पानी में डालता हूं नमक को अगर मैं पानी में डालूंगा ये टूटकर क्या देगा एक कैटायन दे देगा एक एनायन दे देगा जब एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का आ जाए तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सॉल्ट है ठीक है विच वेन यू एड इन वॉटर गिवस यू कैटायन एंड एनायन बड़ी सिंपल सी कैटेगरी है दूसरी चीज जो है एडिशनल कंपाउंड एडिशन कंपाउंड ये क्या चीज है सर अब बेटा यहां पर आप क्या करते हो दो या दो से अधिक सॉल्ट एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मिक्स करते हो और आप मान लीजिए पानी में मिक्स कर रहे हो बड़ा सिंपल तरीके से समझा रहा हूं दो सॉल्ट्स आपने कोई दो या दो से अधिक एक डेफिनेट प्रपोर्शन में आपने मिक्स करे पानी में मिक्स कर दिया तो एक सोल्यूशन बना दिया और ये पानी जो सॉल्वेंट था उसको उड़ा दिया इवापरेट कर दिया जो रेसिड्यू बचा उसको आप बोलोगे बेटा सर ये है ना हमारे पास जो आया है एडिशनल कंपाउंड आया है अब ये एडिशनल कंपाउंड दो तरह का है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यही पढ़ना है पर बेटा ये डबल सॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है जेई डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ चुका है इसके ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीआर बेस्ड डायरेक्टली एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ चुका है जेई तो ये डबल सॉल्ट भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, है अब ये क्या है डबल सोल्व बेटा यहां पर भी बिल्कुल वही सेम चीज है जरा ध्यान देना कि आपने दो चीजें मिलाई हैं दो से अधिक दे दो सोल्ट को मिलाया डेफिनेट मिलायाशन में और पानी को उड़ा दिया तो जो रेसिड्यू बचा आपने बोला सर एडिशन कंपाउंड है उसमें डबल सॉल्ट क्या होता है ये ऐसी जिसको अगर आप वापस पानी में डालोगे ये इमीडिएटली आयनाइज डालोगेटली हंड्रेड परसेंट बड़े सिंपल एग्जांपल है कार्नलाइट के सी एल एम जी सी एल टू डॉट एच टू हो क्या करा बेटा ये तुरंत टूट जाएगा अपने नॉर्मल इंडिविजुअल में यानी कि इसकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी जैसे आप इसको पानी में मिला दो फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेता हूँ Uh, salt, बहुत सुना होगा। 11th में जरूर सुना होगा एफ एसओ फोर एन एच फोर होल्ड एसओ फोर डॉट सिक्स एच टू यह आपका एक डबल सॉल्ट था जैसे इसको पानी में डालोगे बेटा दे देगा सल्फेट आयन दे देगा दे दे अमोनियम आयन दे देगा दे ठीक है समझ पा रहे हो अपनी पहचान खो देगा तो ये क्या करता है इट आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन जैसे ही पानी में डालोगे ये फिर अपनी पहचान खो देगा इंडिविजुअल आइन मिल जाएंगे दे एग्जिस्ट

पानी में सीधे क्या मिल रहा है सल्फेट आयन का टेस्ट करोगे तो वो मिल जाएगा अगर आप अमोनियम आयन का टेस्ट करोगे तो वो मिल जाएगा क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्लियर है मतलब ये सोल्ट ऐसे हैं जैसे है जैसेलाइट हो गया यहाँ पर आपका सिंपल एग्जाम्पल हो गया मोहर सॉल्ट ऐसे आप पोटाश आलम भी याद कर सकते हो के टू एसओ फोर राइट याद है पोटाश आलम के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर होल्थ राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ यह आपका आ गया बेटा पोटाश आलम तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर ये वैसे डबल सॉल्ट था पानी में जा डालूंगा घुल जाएगा जय ने एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि अगर मैं आलम लेता हूं और उसको पानी में डालता हूं तो जरा बताइए कितने निकल के आएंगे तो देख सकते हो दो पोटेशियम आयन होंगे दो अल्यूमिनियम आयन होंगे ए एल प्लस थ्री आय सल्फेट आयन बेटा चार हो जाएंगे आपको ऐसी क्वेश्चन आ गया था एक बार क्लियर हुआ इज दिस पॉइंट क्लियर इज दिस पॉइंट क्लियर समझ आया डबल सॉल्ट क्या पानी में डालते अपनी पहचान खो देते हैं अपनी पहचान खो देते हैं सोल्ट पूरा टूट जाता है पूरा आयनाइज कर जाता है सिंपल सा, सिंपल सा सा फंडा इसका आ गया बड़ा भाई अब भाई अब अब पहुंच रहे हम इसके बड़े पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन सर मैं पहचानू कैसे सर मैं तो अभी अभी ट्वेल्थ में आया हूं सर और ये इतनी सारी चीजें मेरे सामने रख दी हैं मैं कैसे याद करूं कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है सुनो बहुत सिंपल सा तरीका जब भी आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखे जब भी आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखे किसी कंपाउंड में समझ जाना कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है बात समझ पाए ट्रिक क्लियर हुई बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी क्या ट्रिक थी कि जैसे ही मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहां पर पॉइंट नंबर वन सिंपल सी बात बिल्कुल सिंपल सी बात यस 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 मजा आ रहा है अच्छा ये क्लियर हुआ सर ठीक है अब ये क्या है यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जरा बात बहुत ध्यान से सुनना ये जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं अभी हर एक एक चीज को करूंगा इधर बेटा पाया गया इसके अंदर सेंट्रल एटम रहता है और एक एक रहती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है एक सेंट्रल एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को क्या बोलते हैं प्लीज प्लीजार्ट बॉक्स में बताना लोएस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से याद करके बताना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं लोएस एसिड और एक एक स्पीशी होती है जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को तो यहाँ पर के अंदर कुछ ऐसा मिलता है अच्छा, एग्जांपल दिया अभी बस सुनो बहुत ध्यान से सुनो ये आपका क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है एक एक एटम है एक सेंट्रल एटम है जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को और एक चीज दे रही है इलेक्ट्रॉन पेयर को और बाहर कोई आयन रहता है ठीक है बाहर कोई आयन रहता है स्फीयर के बाहर कोई आयन रहता है ठीक है सर यहां तक समझ आ गया अब आप इसको जब पानी में डालते हो यही डिफरेंस है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है व्हाई वी आर लर्निंग देम सेपरेटली जब आप इसको पानी में डालते हो बेटा ये टूटता नहीं है पूरा इन अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खराब करता जैसे उसने तो अपनी एग्जिस्टेंस अपनी अपनी आइडेंटिटी लूज ही कर दी थी ऑल टुगेदर यहां पर क्या होता है ये कैसे टूट जाएगा आपको फोर के प्लस मिल जाएंगे देखो फोर के प्लस मिल गया अब ये पहले ओवरऑल न्यूट्रल था अगर आप बोल रहे हो कि सर पानी में चार के प्लस आए हैं तो एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज माइनस का चार्ज भी आना चाहिए ना एक नायन भी बनना चाहिए देखो बन गया पर ये जो चीज है आप इसको पानी में रख रहे हो ये आगे टूट नहीं रहा है इट इज नॉट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी मान लीजिए मैंने कहा कि बेटा जरा चेक करो एक कंपाउंड दिया कॉर्डिनेशन कंपाउंड जहां स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आयरन था और ये आयरन मान लीजिए स्टेट में है मान लीजिए क्या है अभी आगे सीख जाओगे यहां पर जो आयरन है प्लस टू स्टेट में है यहाँ पे जो आयरन है बेटा ये आयरन आयरन स्टेट में है जरा पता लगाओ टेस्ट करके दिखाओ है। आ रहा है नहीं आ रहा है आप बोलोगे सर मेरे पास नहीं आया हमारे सोल्यूशन के अंदर एफई प्लस टू का टेस्ट करा मैंने और वहां पर एफ प्लस टू मिला ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था स्क्वायर ब्रैकेट टूटेगा नहीं जो भी चीजें हैं इसके अंदर आय विल नॉट आयनाइज

पानी में अगर आपने इसको डाला तो बेटा ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता एफ प्लस टू आपको नहीं मिलने वाला इट विल नॉट गिव यू इंडिविजुअल लाइक डबल डबल सॉल्ट सॉल्ट में इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिल मिल गए थे 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 ना टूट रहे थे और मिल रहे और अपनी अपनी एग्जिस्टेंस जैसे मोहर सॉल्ट की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई पानी में डिजोल्व करने के बाद पोटाश आलम की एग्जिस्टेंस uh, खत्म हो गई पानी में डिजोल्व करने के बाद यहाँ ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पर एग्जिस्टेंस मेंटेन रहनी है क्लियर हुई बात समझ आया अच्छा यहां पर मैं आपको बता भी देता हूँ बड़ा सिंपल सा है ये जो आयरन है ना बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और ये क्यों कर पा रहा है मतलब यहां पर सीएन के साथ आप देखेंगे आयरन और सीएन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहने वाले है कौन से बॉन्ड रहने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ये, you know? ये डोनेट कर रहा है और बड़ा ही प्यारा सा यू नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने जा रहे हैं ऐसे आई होप एवरीशन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के बीच में कॉर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है आई होप इट इज क्लियर चलिए अब इसी को समझा रहा हूं मैंने एक चीज बताई। ये जैसे बताईर एफ सिक्स लियान कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया बेटा ये जो के फोर था इसको आप आयनाइजेशन स्पीयर भी बोलते हो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा होता है जल्दी से बोलो मेरे साथ जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा होता है वो आयनाइज कर सकता है तो ये तभी तो क्या मिल रहा था आपको याद है फोर के प्लस एंड फोर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज हो गया पर ये वाली चीज टूट पाई ना ये आयनाइजेबल पार्ट है दिस इज आयनाइजेबल पार्ट ऑफ योर फियर कंपाउंड में आयनाइजेबल पार्ट ये रहेगा इसे बोलते हैं दूसरी दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ central atom, d -block elements या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम सेंट्रल एटम लेते हैं क्योंकि इनके पास ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसे बोलते हैं लीगेंड क्या बोलते हैं लीगेंड

बहुत बढ़िया बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं डरना नहीं है नीड नॉट टू बी अफ्रेड दूसरी चीज सुनना सब इम्पोर्टेंट टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे एक चीज आती है कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन नंबर क्या है सर बड़ा सिंपल सा मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिखाया यहां पर ही ले लेते हैं ये वाला एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस ये आपका कॉर्डिनेशन स्पीयर था इस पर फोर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है सर इसमें हो क्या रहा है देखो बेटा इट इज नथिंग बट कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं कॉर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट अ सिग्मा बॉन्ड राइट यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है? देखो मैं कुछ मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रहा हूं मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल मेटल सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं जल्दी से बोलो चार्ट बॉक्स में

अगर आप एक चीज नोटिस करो यहां पर सेंट्रल एटम आयरन था यहां पर निकल यहां पर कोबाल्ट यहाँ पर फिर से आयरन आप देखिए मैंने यहां पर सब पे चार्ज दे रखा है सिवाय निकल को निकल पे जीरो चार्ज है अगर आप नोटिस करें सब पे चार्ज आ रहा है बच्चे बोलेंगे सर ये चार्ज कैसे आया तो आप बात कर लेते हैं एक चीज की जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर एक चीज की जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर क्या बला है ये ऑक्सीडेशन नंबर

अगर आप कोई चीज साथ में कर रहे हो तो उसे मत करो ध्यान लगाओ यहाँ पर दो मिनट बहुत ध्यान दो हर एक मेटल आयन पे कुछ ना कुछ हैं सारे मेटल्स ही हैं ट्रांजेशन मेटल्स हैं राइट उसे या फिर मेटल आटम भी बोल देते हैं है, तो कंफ्यूज मत होना इन सब पे चार्ज रहने वाला है, इन सब पे चार्ज आने वाला है। वो कैसे आ रहा है वो देखो बेटा लीगेंट्स जो होते हैं आपके कैटाइनिक भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं आप देख कर नहीं बता सकते आपको याद ही करना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी खराब राइटिंग आ रही है जरा तो रुकना यार आज पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकेंड इतनी खराब राइटिंग है नहीं मेरी जैसे आई माइनस बी आर माइनस सीएल माइनस सी एन माइनस ओ एच माइनस बेटा ये सारे आपके है। इन पे चार्ज क्या है माइनस वन याद ही करना है इनपे चार्ज भी क्या है वो भी याद करना है सिमिलरली बेटा आपका एच टू आपका अमोनिया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इसे कार्बोनाइल बोलते हैं मैं बताऊंगा इनके बारे में ये सारे न्यूट्रल हो गए ये याद ही करना है कि सर ये तो न्यूट्रल है ये कैसे मुझे पता था नेगेटिव क्योंकि मैंने भी याद किया आपको भी याद करना पड़ेगा ये कुछ चीजें याद ही करनी है

माइनस सिक्स ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा माइनस फोर आ गया ना प्लस टू कार्बन मोनोऑक्साइड पे क्या चार्ज था जीरो तभी यहां पर निकल पे बेटा आपने क्या बोला कि सर यहां पर जीरो चार्ज रहेगा निकल पे इधर निकाल सकते हो क्या इधर निकाल सकते हो क्या एक्स प्लस अमोनिया न्यूट्रल क्लोरीन पे क्या चार्ज रहता है माइनस वन इंटू टू दैट मीनस माइनस टू ओवरऑल चार्ज बाहर क्लोरीन था क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आ जाएगा जा जा? इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा जा जा जा? प्लस वन बात समझ गए तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस थ्री यहां पर भी प्लस थ्री यस क्लियर हुई क्या बात बातें क्लियर हुई बातें क्लियर हुई यस मजा आया बात समझ पाए

देन एक चीज आती है जिसका नाम है कॉर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन कॉर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन क्या मतलब है इसका ये सबसे आसान चीज है एक सेकेंड सबसे आसान चीज है पॉलीहाइड्रन बहुत ही आसान चीज है ये क्या बोलता है कि हमारे जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी जिमेट्री क्या रहेगी जब आपको कॉर्डिनेशन नंबर पता लग जाए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स आएगा तो आप बोलोगे सर जो हमारी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहीड्रल होगी मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूं जिससे बच्चों को और क्लियर हो जाए तो आप बोलोगे सर जो ये कॉर्डिनेशन है कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो इसका जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहाइड्रल रहने वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा सर जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो ऑक्टाहाइड्रन ज्योमेट्री लेगा सिमिलरली अगर मैं बोलू बेटा कॉर्डिनेशन नंबर चार है तो वो टेट्राहीड्रल भी हो सकता है कॉर्डिनेशन नंबर चार में बड़ा स्पेशल केस है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है वो बेटा टेट्राहेड्रल भी हो सकता है अब क्या एक्जैक्टली exactly होगा वो हम बाद में समझेंगे पर हाँ कॉर्डिनेशन नंबर फोर पे दोनों पॉसिबिलिटीज है कॉर्डिनेशन नंबर फोर पे दोनों पॉसिबिलिटीज है वो टेट्राहेड्रन भी हो सकता है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है इसी तरीके से बेटा कॉर्डिनेशन नंबर फाइव पे भी दो पॉसिबिलिटी है

क्या बातें समझ आ गई हैं क्लियर हुआ कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाए तो ज्योमेट्री क्या होगी कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो आप यहां से याद कर लोगे कि पे लोटाहाइडल फोर प्लेनर बहुत बढ़िया ये भी क्लियर हुआ मजा आ रहा है क्या यस yes. समझ आई ये बातें जल्दी से बताओ कि यहां सर वापस बैक कर दो मजा आ रहा है क्लियर हो रहा है हर चीज यस ब्राइटनेस मैंने सही कर दी है चलो फंडे समझ पा रही हो देखो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है फंडे क्लियर हो गए आप देखोग भी कर पाओगे चलो नेक्स्ट होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक एंड यू नो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही सिंपल है ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सारे लिगेंड सेम हो तो उसको बोलते होमो होमो हो मतलब यहां पर सेम हेट्रो मतलब जब आपके डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हो देखिए लिगेंड्स यहां पर सेम थे यहां पर लिगेंड्स डिफरेंट हो गए

एक्सेप्ट करता है उस इलेक्ट्रॉन को वो एसिड है 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 ये लुएस बेस बेस हर एक लुएस बेस कहलाता है पर हर लीग बेस नहीं है कैसे तरह की आप इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हो जरा समझ लो जो लीगेंट्स एक चीज होती है यहां पर अ वर्ड कॉल्ड डेंटिसिटी कितने बॉन्ड्स एक लीगेंट मेटल आइटम से बना रहा है अगर एक बना रहा है बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है मेटल और लीगन के बीच में तो आप उन्हें मोनोडेंटेट लीगन बोल देते हो अगर दो दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है एक लीगन मेटल आटम से दो एक ही लीगन दो बॉन्ड्स बना पा रहा है दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो आप बोलोगे सर ये बायोडेंटेट है और दो से या दो से अधिक जैसे दो से अधिक हो जाए तीन चार पांच छह

बिट्स ने पूछा था आई एम नॉट आई एम नॉट एट ऑल किडिंग ये सवाल बिट्स प्लानिंग में आया था अब चेक करना 2010 के पेपर उठाकर चेक करना 2010 में बिट्स में आया था ये और जो छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहते हैं उन सब के एग्जाम में आया था ये और जई ने ये पहले पूछ लिया था मेरे टाइम पे भी आया था जयी मतलब इन द सेंस बाद में भी मैंने देखा था दो में भी इस क्वेश्चन को आया था कि ईडी क्या होता है दो में भी आया है आज की क्लास में भी लेकर भी आया हूँ मैं कौन से साल में आया था और आई एम श्योर मैंने इसको जेई के पहले पेपर से दो हजार छ आठ उस टाइम पे भी पे देखा था तो रेपे, था तो तो पर हो हो रही है हो रही है 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 बातें बातें समझ आ रहा है। तो, क्या है? I hope it is clear. अभी हम सब बातें करने वाले हैं इनके बारे में और डिटेल से मोनोडेंटेड एक सिग्मा बॉन्ड जब एक लीगेंट दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं दो से अधिक एक ही लीगेंट दो से अधिक आ या दो तीन सॉरी तीन चार पांच छ इतने सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है एक मेटल एटम से तो आप उसे बोलोगे पॉलीडेंटेट लीगन चलिए तो कुछ कैटेगराइज कर है, करना है अब ये सारी चीजें याद ही करनी है आज की क्लास में जो बातें हो रही हैं आपको सारी याद करनी है ठीक है स्क्रीन इज वेरी मच क्लियर यार ऐसे मत बोल यार इज इट ब्लरिंग अब ब्लर हुआ है क्योंकि मैंने गलती से बिल्कुल सही चल रहा है नॉट ब्लरिंग और... क्लियर चलो बढ़िया सब इतना प्यारा प्यारा लिखा हुआ है हाँ ऑल राइट right. मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है अब आते हैं जरा मोनोडेंटेड लीगेंट याद करने कौन कौन से हैं ये वो लीगेंट है जो मेटल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं सी एल माइनस बी आर माइनस एफ माइनस आई माइनस एनओ टू माइनस अमोनिया H2CN- CN है यहां पर नहीं मैं लिख देता हूं L ऐड हियर ठीक है I- Br- CN- ठीक है बातें समझ आ रही हैं HCN- NO2- डाल दिया है ठीक है CN- आई होप इट इज क्लियर ये CN तो हो गया HCN हो गया ठीक है ठीक है ये आप सारे याद कर लोगे यू विल लर्न दम कि ये क्या है ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं आपके सेंट्रल मेटल आइटम के साथ इनके चार्जेस भी याद करोगे इनके चार्जेस भी याद करोगे की अमोनिया न्यूट्रल है पानी न्यूट्रल है कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल रहेगा करेंगे याद करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल रहेगा बातें समझ आ रही है समझ आया चलो बाय के एग्जाम्पल याद करूँ बाय क्या होते हैं जो एक ही लीगेंट होता है पर दो सिगमा बॉन्ड बनाता है जिसमें बहुत मशहूर है इथलीन डाइमाइन बहुत फेमस है इथिलीन डायमाइन बहुत बहुत फेमस है मैं यहां लिख देता हूं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर जो डोनर एटम है बेटा जो बॉन्ड बनाने वाला है वो नाइट्रोजन है दोनों एटम कौन से हैं नाइट्रोजन इथिलीन डायमाइन इथलीन डायमाइन ई एन इसका एब्रीवेशन क्या रहता है ई इसी तरीके से एक है बाय यहां यहां पर भी दो डोनर आइटम है नाइट्रोजन डोनर आइटमता है ये बना देता है ठीक है ठीक समझ आया एक ही लीगेंड है दो बॉन्ड बनाता है दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है ऐसे आ जाओ इसके भाई पे चार्जेस याद करने दोनों न्यूट्रल चार्जेस याद करने हैं एसिटेट आयन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस ठीक है

टू ओ फोर टू माइनस आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो योर कॉल इट्स कम्पलीटली योर कॉल कैसे याद करना है इट्स कम्प्लीटली योर कॉल यहां पर दो डोनर आइटम है ऑक्सीजन डोनर आइटम है समझ आया समझ आया मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जहां पर भी दोनों डोनर आइटम सेम होते हैं उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल डायमीन की बात करूं यहां पर देख लीजिए दोनों जगह नाइट्रोजन ही डोनर आइटम है ऑक्जलेट की बात करूं दोनों जगह ऑक्सीजन ही आपका डोनर आइटम है पर यहीं पर एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूँ ग्लाइसिन याद है ग्लाइसिन ग्लाइसिन यहाँ पर आ गया ग्लाइसिन यहाँ पर एक डोनर आइटम बेटा नाइट्रोजन है ग्लाइसिन क्या होता है आप अगर याद कर रक, करो ग्लाइसिन क्या होता है अच्छा आपने अभी बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा ठीक है यहां पर एक ऑक्सीजन आ गया और एक बेटा नाइट्रोजन आ गया दो डोनर एटम्स हैं बायोडेंटेट लिगेंट है ये दो बॉन्ड बनाता है एक लिगेंट दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है एक बार इस्तेमाल करता है नाइट्रोजन एक बार इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेट लीएंट ग्लाइसिन बड़ा सिंपल सा है याद कर लो ठीक है ग्लाइसिन इसका नाम है और जब लीगेंट के फॉर्म में इसका नेमिंग नामकरण कराऊंगा तो एंड एंड में ओ लगा देते हैं ग्लाइसोनेटो बन जाता है यहां देखिए ऑक्सलेटो लिखा हुआ है

आ अब आ रहे हैं हम और बढ़िया बढ़िया चीजों पे अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डेंटिसिटी कि कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आपका लीगन एक नई चीज है जिसे बोलते हैं चीलेट चीलेट क्या है बड़ा सिंपल सा कि ये जो आपने अभी देखे बाय जैसे पॉलीडेंटेट लीगन भी पढ़ाऊंगा अभी दो मिनट में बेटा ये क्या करते हैं मेटल के साथ लिंक करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग का क्रिएशन हो जाता है जैसे देखिए बड़ा सिंपल एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल लिया इथलिन डायमाइन का डायमाइन में अगर आपने नोटिस किया होगा नाइट्रोजन डोनर आइटम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंट है तो एक रिंग बन गई ना यहाँ पर देखिए दो बॉन्ड्स बने और एक रिंग बन गई फोर रिंग ऐसे ही हाँ पर प्लैटिनम के साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कराया प्लैटिनम बेटा इथलीन डायमाइन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है एक एक ने दो बॉन्ड्स बनाए और दो क्लोरीन बना दिए तो यहाँ पर कोई मुझे बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है चलो बिफोर आई आस्क एनीथिंग एल्स पर बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सबसे पहले इस वाले में बताओ चार्ट बॉक्स में यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहने वाला है जल्दी बताओ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं दो तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर है है सर यहां पर बताओ. यहां पर पर बताओ कितना आने वाला है? एक ने दो बॉन्ड बनाए और दो सिंगल मोनो लिगेंड्स थे राइट यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया चार आ गया बात समझ पा रहे हो आ जाते हैं नेक्स्ट जो बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है इसे बोलते हैं अभी इसको बता रहा हूं अभी इसको बता रहा हूं ईडीटीए चलो यहीं बता देता हूं ईडीटीए को याद करने की ट्रिक भी सीख लो डायमाइन डायमाइन क्या है ये बेटा मैंने अभी आपको सिखाया अगर यहां एनएच टू एनएच टू लगा होगा क्या बोलोगे यहां डायमाइन एनएच टू एनएच टू लगा है क्या बोलोगे इथिलीन डायमाइन सिंपल अब क्या काम करो दोनों हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन आते हैं उसे एसिटेट आयन से रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा सीएच टू सीओ माइनस सी एच टू सीओ माइनस यहां पर क्या बन जाएगा सी एच टू सीओ माइनस सी एच टू सीओ माइनस आगे आपका प्यारा सा कंपाउंड ईडी अच्छा ईडी आपको किताबों में ऐसा मिलेगा एच फोर ईडी ये क्या करता है अपने H+ प्लस को लूज कर देता है आपको मिल जाएंगे फोर एच प्लस तो कहना चाहूंगा बताना चाहूंगा EDTA आपका एक एनाइनिक लीगेंट है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है EDTA पे क्या चार्ज रहता है माइनस फोर कोई पूछे EDTA कैसा लिगेंड आप बोलोगे एनाइनिक लीगेंड है माइनस फोर चार्ज रहता है और यहां पर सर जो डोनर एटम्स है वो तो खासियत है बहुत ही अमेजिंग चीज नाइट्रोजन पे दो लोन पे तो ये दो डोनर एटम बन गए और यहाँ पर ये ऑक्सीजन बेटा कोई बताया कितने डोनेट कर सकता है ये कितने डोनर एटम्स है यहां पर चार नाइट्रोजन है गलत बोल गया मैं चार नहीं दो नाइट्रोजन है माफ कीजिएगा मैं इसको चेंज करके लिख देता हूं चार नहीं दो नाइट्रोजन है दो नाइट्रोजन है बेटा एंड चार ऑक्सीजन ये आपके डोनर हैं पर तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा एक EDTA सक्षम है बॉन्ड बनाने के लिए सिक्स इट कैन मेक तो ऐसे को मैं बोल सकता हूं ना ईडीटीए किसका एग्जाम्पल हो गया का इसका नाम कर दो इथलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन और क्या आयन है ये एक एनाइनिक आयन है बेसिकली

आप देखिए एक ही मेटल के साथ कितने बॉन्ड रेड कलर की लाइन देख पा रहे हो कितनी लाइन जा रही है छे कॉर्डिनेशन नंबर यहाँ पर छे है क्या मैं अपनी बात समझा पाया क्या मैं अपनी बात दिखा पाया हर एक बच्चा सोच पाया राइट right? मजा आया चलिए आगे बढ़ते हैं तो जब भी ये आप देखेंगे कि पॉलीडेंटेड या डायडेंटेड टी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या बॉन्ड्स बनाते हैं मेटल आइटम के साथ तो रिंग बन जाती है और जितनी बड़ी रिंग उतना बढ़िया थ्री से बढ़िया फोर से बढ़िया फाइव क्योंकि फिर स्ट्रेन का भी ध्यान रखना है एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है यहाँ पे कम हो रहा है सॉरी थ्री से फोर फोर से फाइव पे जा रहे हो तो एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है स्टेबिलिटी आ रही है सिक्स और सेवन के कम्पेरिजन में बेटा फाइव मेंबर ज्यादा स्टेबल रहता है ठीक है ये क्या हो रहा है चिलेशन इसी, इसी प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं पाया जाता है जहां पर भी बायडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड बनते हैं तो वहां पर रिंग बन जाती है और रिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है सिस्टम के अंदर और अगर फाइव आ आ गई मेंबर आ गई सिक्स तो बहुत अच्छी बात है राइट तीन से बढ़िया चार चार से बढ़िया पांच रिंग जैसी बनती है स्टेबिलिटी बढ़ती है एक नॉर्मल मोनोडेंटेड अगर आप लीगेंड लेते हो और एक जगह आपने बायेड लीगेंट लगा दिया बेटा तो बाय वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल रहना है बिकॉज वहां पर क्या हो रहा है चलेशन हो रही है रिंग बन जा रही है क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ सिंपल सा सिंपल सा फंडा है मैंने आपको यहाँ पर बड़े सारे एग्जाम्पल भी दे दिए यहाँ पर कॉर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर आ गया कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स ईडी इस्तेमाल किया था एक डी छह बॉन्ड बनाने में सक्षम है बहुत बढ़िया क्लियर हुई ये बातें समझ आ रही हैं देन नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज फ्लेक्सीडेंटेड थिंगस्टैंड फ्लैक्सी का मतलब पता है क्या बड़ा सिंपल सा बहुत सिंपल सा कि ये जो लीगेंड है ना मैंने बताया अभी कि ईडी टी जो आपका ईडी रहता है बेटा ये है छह बॉन्ड बना सकता है पर जरूरी नहीं है कि कभी कभार चार बॉन्ड भी बना देता है कभी कभार पांच बॉन्ड भी बना देता है कभी कभार छह भी बना देता है एज पर द यूजेबिलिटी एज पर द रिक्वायरमेंट ये काम कर सकता है तो ये फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंट करा सकता है कि जिसके अंदर छह बॉन्ड बनाने की क्षमता थी पर यह चार बना रहा है पांच बना रहा है तो ऐसे लीगेंट्स को हम फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंट बोल देते हैं कि एक तरीके से नहीं मतलब ये वेरिएबल अपना डेंटिसिटी दिखा रहे हैं वेरिएबल डेंटिसिटी दिखा रहे हैं ऐसी एक, एक है सल्फेट आयन का माइनस। सल्फेट आयन बाइडेंटेड लीगियन की तरह भी काम कर सकता है मोनोडेंटेड लीगन की तरह भी काम कर सकता है अब आपको देखकर नहीं पता लगेगा आप कॉम्प्लेक्स देखोगे वहां देखोगे अच्छा इसका रोल ये था इसने यहां पर एक बॉन्ड बनाया अच्छा यहां पर इसने दो बॉन्ड बना लिए अब आपको रट्टा नहीं मारना है ये सिर्फ एक डेफिनेशन है आपको याद रखना है कि हाँ, ऐसे भी लीगेंट्स होते हैं जो वेरिएबल डेंटिसिटी दिखाते हैं वो एक बॉन्ड बना सकते हैं दो बॉन्ड भी बना सकते हैं राइट आपके सामने मैंने एग्जाम्पल डाल दिए एडीटीए का भी एग्जाम्पल डाल दिया क्लियर हो रहा है आपको बस इतनी सी बात समझ आनी चाहिए ठीक है क्लियर हो रही है बात या हाँ ना तो बोलो क्लियर हो रही है बात यस अच्छा नेक्स्ट लास्ट यहां पर आ गई एक और लास्ट चीज एम्बीडेंटेड लीगेंस क्या होते हैं वो होते हैं कि इन लीगेंस के अंदर आप देखेंगे कि डोनर आइटम एक से अधिक है यहां पर जो आटम्स है एक से अधिक डोनर आइटम है पर एक टाइम पर एक ही डोनेट कर सकता है तो मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट्स पर एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बनाएगा एक ही लाइगेट करेगा एक ही बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आइटम के साथ फॉर एग्जाम्पल एनोटू की बात करते हैं एनओ माइनस बेटा एनो के अंदर एक बार नाइट्रोजन भी बना सकता है मेटल आइटम के साथ बॉन्ड एक बार ऑक्सीजन भी बना सकता है अगर नाइट्रोजन बना रहा है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो इधर बोल देते हैं उसको नाइट्रीटो नहीं तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो नाइट्रीटो एन क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है मेटल आइटम के साथ इसको बोल दो नाइट्रीटो ओ, oh, क्योंकि ऑक्सीजन बना रहा है मेटल आटम के साथ बॉन्ड। इसकी नामकरण भी कराऊंगा टेंशन मत लेना के साथ साइनाइड की बात कर लेते हैं सी की एक बार कार्बन साइनो नाइट्रोजन ने करा तो आइसो साइनो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो साइनाइड सी साइनाइड एन नामकरण भी बता रहा हूं यहां पर ठीक है कि एक बार जब सी ने अटैच कराया तो आपने बोला कि सर इसका साइनाइड सी नाम रख दो स, राइट बात समझ आ पा रही है, है? ठीक यहां पर आ गया साइनाइड एन या फिर साइनो आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो सल्फर आइसो नाइट्रोजन ये किसके लिए है एस सी एन माइनस जब सल्फर लगा तो थायोसाइनेटो नाइट्रोजन लगा तो आइसो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो आप बोल सकते हो थायोसाइनेटो एस थायोसाइनेटो एन ऐसे भी याद कर सकते हो यहां पर आपको क्या याद करना है साइनाइडो सी साइनाइडो एन ठीक है साइनाइडो आई थिंक मैंने शायद ई बोल दिया था साइनाइडो बोलना है साइनाइडो सी साइनाइडो एन ऐसे भी याद कर सकते हो योर कॉल ठीक है ऐसा नाम भी अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि सर गलती है आपने तो यहां पर यह लिखवाया था वहां ऐसा लिख दिया तो मैंने दोनों चीजें समझा दी है जिससे कंफ्यूज ना हो ठीक है अच्छा ईडीटीए टीए चुका हूं ईडीटीए ये आपका टीएड लिगेंड है करेक्ट करेक्टाडेंटेड लिगेंड है इसमें खासियत क्या है कि ईडीटीए बेटा आपको पता है जो ब्लड है जब आपको कभी खून निकलता है कभी कभी क्लॉटिंग देखी है आपने कभी कभी खून निकल जाए बॉडी से कभी कोई स्क्रैच लग जाए और खून निकलने लग जाए आप देखोगे कि, कि ब्लड अपने आप क्लॉट कर देता है कुछ टाइम बाद हा या ना इन द चैट बॉक्स लेट मी नो जल्दी से बोलो भाई क्या ब्लर है इतना प्यारा अरक है ऑटो फोकस है बच्चों कैसे एक सेकेंड एक सेकेंड मैं इसको मैनुअल करता हूं लेट लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी गिव अलाउ मी प्लीज अलाउ मी बेटा सही हो गया सही हो गया बेटर बेटा बेटा ऑल राइट अब मेरी बात सुनो ये आपका ईडी टी ए है दिस इज योर ई डी टी ए हाँ मैंने अब सही कर दिया अब नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट हैपन ठीक है इट शुड नॉट हैपन ठीक है शिवम अब नहीं होगा आ जा आ जा सुन ले अब ये ईडी टी ए कितने डेंटेड लीगन है प्लीज टेल मी ईडी टी ए की अगर हम बात करें इट्स इट्सा डेंटेड लीगल राइट right? सिंपली हम बोल सकते हैं है, अच्छा। है, है आपको पता है, अपने आप क्लोट कर जाता है। जैसे अगर आपको किसी को पेशेंट किसी पेशेंट को ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड के अंदर तो सर क्लॉटिंग की टेंडेंसी है तो वो कैसे हम उसको रोक सकते हैं उसमें ईडीटीए ऐड कर लेते हैं तो मैं यूज समझा रहा हूँ शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक रहता है ना जो आप डोनेट करते हो ब्लड राइट right? अभी तो शायद आप लीगली डोनेट नहीं कर सकते आई हैव डन इट तो इट्स अ वेरी गुड थिंग यू शुड डू इट राइट तो उसमें क्या होता है वो इडीटीए डाल देते हैं जिससे लाइफ बढ़ जाता है ब्लड क्लॉट नहीं करता ठीक है अगर ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो वो यूजलेस हो जाता है इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे कि ये जो आयरन एक्सेस में होता है ना ये क्या करता है आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक्सेसिव आयरन को बाहर निकाल लेता है सो इट कैन बी यूज टू रिमूव एक्सेस आयरन फ्रॉम बॉडी इसका एक यूज है इसी तरीके से ये ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल आता है मरकरी और लेड पॉइजनिंग हो जाए ना तो उसको भी कम करता है उसकी ट्रीटमेंट में भी EDTA का यूज आ सकता है तो आप यूज भी दिमाग में रख लो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।, है तो EDTA आपको पता होना चाहिए कि इस पे जो चार्ज रहता है माइनस फोर हाँ ये फ्लेक्सीडेंटेड भी है सर पर जनरली हमारे अगर बोला जाए तो हम सीधे इसको 6 बोलेंगे। पर हाँ ये चार कभी पांच भी बना सकता है

कि कॉपर आयन अगर लेते हैं तो वो कॉर्डिनेशन नंबर टू और फोर देता है सिल्वर अगर आप लोग एजी प्लस तो कॉर्डिनेशन नंबर इसका टू रहता है टू और टू कॉर्डिनेशन नंबर भी एग्जिस्ट करता है बट वी डू नॉट स्टडी हमारे काम का नहीं है इसी तरीके से गोल्ड प्लस वन स्टेट में टू और फोर बेटा टू प्लस स्टेट में दो कॉपर फोर और सिक्स दो कॉर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है चार या फिर छ एजी प्लस टू चार प्लैटिनम प्लस टू चार पी डी टू प्लस चार सो ऑन सबको क्लियर हो गया कि मेटल्स की अंदर टेंडेंसी होती है एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करने की तो ये टेबल में मैं बता रहा हूं किसी फोर सिक्स की है शो कर सकता है चार देता है मरकरी प्लस टू बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाता है ये चीजें हमें याद करनी है ठीक है ठीक है चलो ऑल राइट right. बढ़िया क्लियर हो रहा है देखो यार अगर सेशन पसंद आ रहा है ना मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो इमीडिएटली कितना टाइम हो गया हमार को? एक घंटा हो गया चीजें भी समझ आ रही है, Clear हो रही है चलो, बहुत अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्नर थ्योरी ही द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉर्डिनेशन बॉन्ड कि यहाँ पर कॉर्डिनेट कंपाउंड जो है इनके अंदर कैसे बॉन्ड्स रहते होंगे क्या हो रहा है इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे हो रही होगी ठीक है ये इन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरी दी वर्नर थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस नाउ दिस थ्योरी इज आउटडेटेड नॉट वेरी मच यूज ठीक है बट ये इन सिलेबस इट इज स्टिल देयर सो वी हैव टू स्टडी पर ये ज्यादा पुरानी थ्योरी हो गई है आउटडेटेड हो गई है पहले इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग ठीक है कि कैसा हो रहा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन इन कॉर्डिनेट बॉन्डिंग ठीक है इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड सॉरी क्लियर हो गया इसका रोल समझ आ गया ठीक है अब जरा समझते हैं तो यहाँ पर

प्लस अमोनिया पे बेटा रहता है जीरो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा बेटा प्लस थ्री क्योंकि ये टूटेगा कैसे ऐसे ही तो टूटेगा बात समझ पाए तो एक्स की स्टेट क्या आ गई बेटा प्लस थ्री और यही यही पार्ट था कि सर यहां पर तीन एनायंस है इट इज सेटिस्फाइड बाई एनायंस एंड इट इज आयनाइजेबल एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल बेटा एक बार बताओ

एवरी वन इज क्लियर प्राइमरी वैलेंसी इज क्लियर यस तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपके सेंट्रल मेटल का इसको आयनाइजेबल पार्ट भी बोलते हैं ये एनायन से satisfy होता है एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी की बेटा सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है इट इज डायरेक्टली इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाओ इसी एग्जांपल से समझते हैं कोबाल्ट के साथ जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने अमोनिया दिख रहे हैं बेटा आपको 6 यानी कि 6 बॉन्ड बन रहे होंगे तो सीधे मैं बोल सकता हूं कि यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं पहले वाले केस में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा 6 इट इज डायरेक्टली इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट इज सैटिस्फाइड बाय इट इज सैटिस्फाइड बाय किससे ये सेकेंडरी वैलेंसी की बात चल रही है इट इज सैटिस्फाइड बाय लिगेंड्स अब भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, दोनों तरह या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं है? यही बात लिख दी इसी तरीके से ये बेटा होते जो ब्रैकेट के अंदर होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो, तो नहीं हो सकते पर हाँ ये डायरेक्शनल होते हैं अगर आपको पता है अगर छह लीगेंट लग जाए अंदर तो छे सिग्मा बॉन्ड बनने वाले हैं सेंट्रल मेटल आइटम के साथ ज्योमेट्री क्या आने वाली है ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा

से होता है, है? Yes. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री ही होने वाली है कैसे x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो करेक्ट यानी कि ये तीन अलायटिस्फाई होगा कौन है ये रे? तीन. वो अंदर भी काम कर सकते हैं ओवरऑल चार्ज यहाँ जीरो, है, चार्ज जीरो है, देख सकते हो। पर जो थे, जिससे हो रही है वो अंदर भी रह सकते हैं। हैं हैं। सामने। क्या है? टोटल कितने है यहां पर? है। तो बोलो आप यहाँ छह सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी उसी के बराबर हो जाएगी क्लियर समझ पाए सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय सेकेंडरी वैलेंसीड बाय Your ligands, anionic या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं क्लियर बात समझ आ गई चलो ये भी क्लियर हो गया एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. जरा ध्यान से देखना बहुत सिंपल सा है एक फॉर्मुला दिया गया मुझे नहीं पता है इसका कॉम्प्लेक्स क्या है मुझे नहीं पता पर आप बना सकते हो कैसे बना सकते हो बोला कि तीन मोल्स एजीसीएल के डिपॉजिट हो गए बेटा अगर मैं याद रखना सिल्वर अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर सीएल माइनस अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl- माइनस होगा तभी वो Ag+ प्लस को पकड़ेगा Ag+ प्लस उसको पकड़ेगा सॉरी और AgCl बन जाएगा अगर मैं बोल रहा हूं तीन मोल्स AgCl के बने यानी कि तीन मोल Cl- माइनस के बाहर भी रहने चाहिए थे तो क्या बनेगा कोई बता पाएगा यहां पर कॉम्प्लेक्स कोई बता पाएगा कॉम्प्लेक्स जल्दी से बताओ मैं यहां लिखूंगा कॉम्प्लेक्स एनी वन इन चैट बॉक्स वॉट डू थिंक शुड बी द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शुड बी कोबाल्ट अमोनिया सिक्स सी एल थ्री करेक्ट क्या बात समझ पा रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा कितने लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं मेटल से छह सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर छ हो गया क्लियर प्राइमरी वेलेंसी प्लस थ्री आ गई यहां पर भी निकाल लो प्राइमरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी निकाल के देख लो वहां पर प्लस थ्री आने वाली है फॉर श्योर इधर आ जाओ यहां पर बोला गया कि टू मोल्स एजीसीएल के डिपॉजिट हो रहे हैं टू ये भी है। यहां पर टोटल तीन क्लोरीन थे क्या काम करूं क्या सीधे सीएल सीएल टू यहां पर क्या होने वाला है सीएल एंड अमोनिया कितने अमोनिया रहने वाले हैं बेटा पांच करेक्ट समझ पा रहे हो क्या क्लियर हो रहा है चार्ट बॉक्स में एक, एक एनर्जी दे दो है ना अंदर एक सी एल बाहर दो सी CL. क्लियर अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो क्या आने वाला है एक्स माइनस वन इसके ऊपर बेटा चला जाएगा प्लस टू ओवरऑल चार्ज प्लस थ्री यही लिख दिया प्लस थ्री और कितने आपको यहां पर लीगेंस दिख रहे हैं छे तो कॉर्डिनेशन नंबर भी छे हो गया मेटल के आसपास कितने लीगेंस है छे लीगेंस है सिग्मा बॉन्ड्स थे तो आंसर भी छे हो गया क्लियर यस yes. ऐसी सारे कर लोगे यही सेम लॉजिक चल रहा क्लियर हुआ बातें समझ आई यहां पर देखो बोलता है एक एजीसीएल का मूल बन रहा है कि CL कितने एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। अंदर क्या हो जाएगा बेटा सीओ अमोनिया फोर सीएल टू आई होप एवरी वन रिलेट कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आपका क्या आ जाएगा पांच देख लीजिए चार Uh, एक सेकेंड कॉर्डिनेशन नंबर अच्छा क्योंकि आपके अमोनिया चार थे चार लिखा आपके ये बेटा होएगा छ होगा ठीक है होगा. ठीक है और प्लस थ्री सामने आ गया एवरीवन वन इज क्लियर एवरी वन इज क्लियर मजा आ रहा है समझ आ रहा है मजा आ रहा है समझ आ रहा है क्लियर हो गया प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी सबको क्लियर हो गया है अच्छा आई थिंक मैंने उसका आंसर यहां लिख दिया ठीक है मैं इसको फिक्स कर देता हूं दो बोल रहा है अगर दो बोल रहा तो यहां पर दो यहां पर एक हां सही था यार बच्चों मैंने वो दोनों क्वेश्चन सिमिलर दिख रहे थे तो इस कारण से मैंने कर दिया है हाँ बिल्कुल सही है ये यह। यहां पर फाइव ही आएगा यहां पर फाइव ही आएगा बिल्कुल सही है ये प्लीज पाडन मी प्लीज पाडन मी बिल्कुल बिल्कुल सही ये बिल्कुल सही है ठीक है ऊपर ऊपर वाले में बेटा छे होंगे क्योंकि वहां पर एक ही क्लोरीन रहेगा, अंदर रहने वाले हैं मैंने उल्टा आंसर कर दिया था पर यस ये बिल्कुल सही है समझ आ गया ट्रेंड चलो बहुत बढ़िया आ जाओ एक क्वेश्चन है जल्दी से आंसर करो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दो हजार दस का सवाल है जल्दी से बताओ एवरी वन विल डू इट बहुत प्यारा सवाल है

COCl3 .6 ammonia. अब आपको पता नहीं है पर पता कितने मिल रहे हैं आपको नहीं अब आपने बेटा इसको पास कर दिया किसके थ्रू ए जी एनओ थ्री के थ्रू या आपने एक्सेस में लिया आपको मिल गए ए जी सी एल और आपको मान लीजिए यहां पर ए जी सी एल से कुछ मोल मिल रहे हैं यू आर गेटिंग क्योंकि आपने एक्सेस में लिया है आपको कितने मोल्स यहां पर मिल रहे हैं अब बेटा जितने भी मोल्स मिलेंगे जितने मोल्स मिलेंगे एजीसीएल के उतने ही अगर मान लीजिए चार मोल्स मिल रहे हैं एजीसीएल के तो आप बोलोगे चार सीएल माइनस थे सर इसका मतलब बाहर इस कॉम्प्लेक्स के चार सीएल माइनस रहने वाले हैं या चार सीएल रहने वाले हैं ऐसे सोचना है चलो अब आंसर करो तो सबसे पहले एक चीज करना मोल्स निकालना एजीसीएल के गिवन मास दे गेखा कितना फोर पॉइंट 78 मोलर मास कितना दे रखा है 143.5 करोगे तो 0.03 मोल्स आएंगे यानी कि आपको इतने मोल्स मिले हैं इसका मतलब Cl- के भी 0.03 मोल्स हैं अब वो Cl- आ कहां से रहा है इस कॉम्प्लेक्स से आ रहा है अगर बेटा 0.03 आ रहे हैं यानी कि यहां पर भी 0.03 होने चाहिए थे पर चेक कर लेते हैं यहां पर इसके कितने मोल्स थे चेक कर लेते हैं इसके कितने मोल्स है इसको भी निकाल लो

इसके जब मैंने देखे कितने एक मोल नहीं था ये कितना मोल निकला बेटा पॉइंट जीरो निकला यानी कि एक से मुझे मिल रहे हैं तीन सी एल माइनस बाहर होने चाहिए अगर एक ले रहा हूं तो तीन सी माइनस बाहर मिल रहे हैं पॉइंट जीरो वन लूंगा तो पॉइंट जीरो थ्री मिलेंगे सिंपल सी बात तो यानी कि कॉम्प्लेक्स के बाहर तीन सी एल माइनस ढूंढना आपको कहां है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर है बाकी आप चेक करो कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपको तीन सी एल नहीं दिख रहे क्या सोच पाए उल्टा क्लियर हो पाया इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ सी जो बोल रहा है अभी भी गलत बोल रहा है बात समझ पाए क्लियर हुआ कि सर अगर आप बोल रहे हो एजी सी एल के इतने मोल है यानी कि सीएल भी इतना है सीएल भी इतना है और आपको पता लगा इनिशियली आपके इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के कितने मोल्स हैं पॉइंट जीरो वन

क्लियर हुआ बहुत प्यारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एक सरल सवाल है आई आई होप ये क्लियर हो गया है आ गया समझ इन द चैट बॉक्स लेट मी नो कि हाँ सर समझ आया इट इज यू नो क्लियर चलो बढ़िया नेक्स्ट बेटा डेल्टा टी एफ क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं

वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में लिख रहा हूं जिससे आपके लिए आसान हो जाए ठीक है अब जल्दी से बता दो यहां पर कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या आने वाला है इनका सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है अरेंज करना है आपको अरेंज करना है आपको पहले वाला कैसे अरेंज हो जाएगा बेटा यहां पर सब कुछ अंदर है बाहर कुछ है ही नहीं इसमें एक ही आयन मानोगे कि एक ही पार्टिकल है एक ही आयन की जगह एक ही पार्टिकल बोलना सही रहेगा कि एक ही पार्टिकल है सब कुछ अंदर है नंबर हो गया इसकी बात करें तो बेटा आपके अमोनिया अंदर और दो क्लोरीन अंदर अमोनिया बेटा कितना है आपका तीन अमोनिया चार अमोनिया सॉरी मैं इसको थोड़ा जगह मुझे ज्यादा चाहिए यहां पर तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं बिल्कुल अभी सोल्यूशन इस्तेमाल करना है आपको यह कैसे हो जाएगा बेटा कोबाल्ट अमोनिया कितने हैं बेटा चार फोरीन और एक सी एल बाहर हो जाएगा तो टोटल ये टूटकर इसका वेंट ऑफ फैक्टर आ गया आयो दूसरे वाले का सी की बात करते हैं सी को कैसे लिख सकते हो कि सर सारे के सारे अमोनिया अंदर है और सीएल तीन क्लोरीन बाहर है तो ये टूटकर इसका वेंट ऑफ फैक्टर सर चार आ जाएगा इफ यू चेक केयरफुली ये चार पार्टिकल्स देगा और सर लास्ट वाला अगर देखिए काफी इंटरेस्टिंग है वो भी लास्ट वाले में सर दो क्लोरीन बाहर होंगे अमोनिया है यहां पर पांच और एक क्लोरीन अंदर यानी कि टूटकर सर मुझे तीन आयन देगा तीन पार्टिकल्स मिलेंगे यहां पर बेसिकली ऐसा बोलना चाहिए कि तीन पार्टिकल मिलेंगे तीन आयन मिलेंगे यहां पर चार है बेटा तो अगर वेंटा फैक्टर ज्यादा डेल्टा टी एफ और ज्यादा करेक्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किधर आना चाहिए बढ़िया क्वेश्चन था दो चीजों को मिक्स कर दिया मैंने आंसर कर दो चार्ट बॉक्स में जल्दी से बताओ अमोनिया एक न्यूट्रल है अमोनिया अमोनिया एक एक न्यूट्रल न्यूट्रल है 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 ये टूटता नहीं है, एक है कि नहीं ठीक कोई कोई टूटेगा बच्चा इसका वेंट ऑफ फैक्टर बोल रहा है इसका कोई वेंट ऑफ फैक्टर नहीं सोचना ऐसा हम कंप्लेक्स की बात कर रहे हैं कि टूट कर कितने पार्टिकल्स देंगे चलो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा एक सेकेंड ये यहां पर मार्किंग इसकी गलत है बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन सी मार्किंग यहां पर गलत है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल सही मजा आ रहा है राइट आंसर सी इज द राइट आंसर आ जाओ आगे आ, आ जाओ ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो गई हैं हर एक चीज पूरी क्लियर है लीगेंट क्या है आयनाइजेशन स्पेयर क्या है कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है सेंट्रल आटम क्या है लीगेंट क्या है आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ है ना बेटा लोएस्ट की अगर बात करूं यहां पर कंफ्यूजन आई डेल्टा टी एफ जितना ज्यादा आई बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन आएगा उतना ज्यादा यानी कि वो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका और कम होता रहेगा आया ना जिसमें आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सोलूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम लोएस्ट पहुंच जाएगा कम होता रहेगा कम होता रहेगा कम होता रहेगा राइट रहे? क्या बात समझ पा रहे हो डिप्रेशन ज्यादा आएगा तभी आंसर ऑप्शन सी होगा यहां पर लोएस्ट डिप्रेशन पॉइंट पूछा है हाईएस्ट नहीं पूछा हाईएस्ट का ऊपर वाला आंसर होता उसमें सबसे कम डिप्रेशन देखने को मिलता उसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता लोएस्ट ठीक है चैतन्य आई होप योर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड नेक्स्ट चलो आंसर करो जल्दी से आंसर करो जल्दी से आंसर करो जल्दी से आंसर करो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आटम कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय किस चीज से डिटरमाइन होता है ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल सही ए बिल्कुल सही आंसर है ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आ जाओ नेक्स्ट पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है निकल एक्स प्लस बेटा नाइट नाइट्रो मैंने बताया था माइनस वन स्टेट होती है सो माइनस वन इन टू टू इज माइनस टू प्लस ऑक्सीलेट आयन पे ऑलरेडी माइनस टू चार्ज था यहां पर एक और लग गया दो दो ऑक्सीलेट आयन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एंड ओवरऑल बेटा चार्ज क्या है माइनस क्या बात समझ पा रहे हो तो ये क्या बन जाएगा x माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस टू क्या आंसर आएगा क्या भाई Oxidation number मैंने निकाल दिया क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी बता दिया अब 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 बात हो रही है कोऑर्डिनेशन नंबर की बेटा ऑक्सिलेट आयन एक बाइड लीगेंट है इट्स अ बाय एक लीगेंट दो बॉन्ड बनाता है तो दो लिगेंड कितने बनाएंगे चार, चार सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड और नाइट्रो बेटा एक टू एक ग्रुप बनाता है क्योंकि दो लगे हुए हैं तो कि दो बनेंगे। बताओ 2014 का सवाल है कितना प्यारा सवाल कितना सिंपल सवाल compound, दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कौन सी स्पीशी यहां पर

आई होप इट इज क्लियर हमने इसको खूब डिटेल में देख लिया 2014 का सवाल था अकॉर्डिंग टू वर्नर प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ द सेंट्रल एटम किस चीज से सैटिस्फाई होती है प्राइमरी वैलेंसी हमने गलती कर दी थी वहां पर पर मैं बताया था मैंने कि अकॉर्डिंग टू वर्नर प्राइमरी वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय एनायंस एंड किसके बराबर होती है चार्ज ऑन दी योर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम उसके बराबर होती है एनायंस से सैटिस्फाई होती है नॉन डायरेक्शनल होती हैं करेक्ट क्योंकि आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है नॉन डायरेक्शनल होती है क्लियर

अलग से दो आयन मिल रहे हैं तो तभी संभव है जब दो सी एल माइनस मिल जाए और यहां पर आपको मिल जाए टू प्लस बाहर दो क्लोरीन कहां पर लगे हैं आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इतना आसान क्वेश्चन है सिर्फ एक ही जगह लगे हैं कहां पर ऑप्शन ए में यस यस डू यू लाइक द ट्रिक क्वेश्चन अच्छा लगा देखो आप आगे पढ़ के भी काम कर लोगे पर अब क्यों ही पढ़ना क्योंकि आगे ही दिख रहा है हमारे को यहां पर उन्होंने बोला कि इसको जब मैंने पानी में डाला तो ये तीन आयन देता है तीन तभी संभव है जब दो क्लोरीन भार आ जाए और एक यू you नो know, एक जो कॉम्प्लेक्स है इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाए तीन आयन आ गए ना ये आई यहां पर कितना आ गया 3 ऐसा तभी संभव है इसी के अंदर ये जब टूटेगा तो आपको यहां पर टू पॉजिटिव एंड टू Cl- मिल जाएंगे टोटल तो तीन आयन मिल गए यस क्लियर हुआ आपको यहां बताया नहीं था अब आगे चलो इसको जिसको ऐसे समझ नहीं आया आप आगे पढ़ो बोलता है कि तीन आयन्स टूट कर मिलते हैं ठीक है वन मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद टू मोल्स ऑफ है? बोलता है ये जो कॉम्प्लेक्स है दो मोल्स ऑफ AgNO3 थ्री के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको AgCl मिल रहा है आपको बोल रहा है टू मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है अगर टू मोल्स मिल रहा है यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर भी तो दो सीएल होने चाहिए अगर आप एक मोल ये लेते हो इस कंपाउंड को लेते हो तो ये टूटकर बेटा आपको क्या देने वाला है दो मोल सीएल माइनस के देने वाला है जब टूटेगा तो ही तो मिलेंगे आपको दो मोल सीएल के करेक्ट और यही सीएल एजी प्लस एजी प्लसिटी फॉर सी एल माइनस एजी सी एल तुरंत बन जाएगा करेक्ट आपको बोला है क्वेश्चन में कि इसके कितने मोल बन रहे हैं बेटा दो मोल बन रहे हैं संभव है ऑप्शन ए के अंदर ही संभव है और कहीं संभव ही नहीं है ठीक है हाँ भाई लुएस मतलब सबसे कम यार मजा आया। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है ये आर नॉट डन बातें समझ आ रही हैं व्हाट डू यू से हर एक चीज क्लियर हो रही है सर अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पार्ट पे हम पहुंचेंगे एक नेक्स्ट पार्ट पे जिसको और अच्छे से समझेंगे मजा आ रहा है देखो अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेक श्योर यू सब्सक्राइब मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो ठीक है एक बार रिकॉल कर लें क्या क्या चीजें कर ली हैं हमने एक बार रिकॉल कर ले एक बार रिकॉल कर ले बताओ क्या 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 चीजें सीखी है आज हमने कि हमारे जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये बड़े ही कलरफुल होते हैं और रीज़न बीइंग ये है कि इधर कॉर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल आटम जो यहाँ पर होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है उसके पास वेकेंड डी ऑर्बिटल होते हैं तो वो कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं बहुत सारे कॉर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं वो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और कॉर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो कभी भी आयनाइज नहीं हो सकती अगर आप एक कॉर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालोगे तो बेटा सिर्फ आयनाइजेबल पार्ट आयनाइज कर जाएगा कॉर्डिनेशन स्पियर के अंदर जो भी चीज है वो वैसी की वैसी ही रहेगी वो नहीं टूटेगी तो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ते हैं ये राइट इनकी एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होती है करेक्ट समझ आ रहा है बात क्लियर हो रही है अपनी आइडेंटिटी को ये लूज नहीं करते वहीं डबल्स और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं पर ये अपनी आइडेंटिटी को कभी लूज नहीं करते यस बातें समझ आ रही हैं हर एक बच्चे को बात समझ आ रही है क्लियर हो रहा है अर्जुन बेटा री वो देख ले यार रिप्ले देख ले आई एम प्रेटी श्योर तेरे पास रिप्ले का ऑप्शन है ठीक है तो रिप्ले देख ले अब क्या नहीं आया मुझे समझ नहीं आ रहा है प्लीज मेक श्योर तू रिप्ले देख ले तेरे को पक्का क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो थैंक यू समर्था थैंक यू सो मच थैंक यू अर्जुन एक बार रिप्ले देख ले बेटा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जहां पर डाउट आ रहा awesome. तो है क्लियर हुई हैं

वट डू यू से नेमिंग आज करें बाद में करें वॉट डू से नेमिंग आज करें नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में करें बाद में करें मेरे को लग रहा था एक काम करते हैं नेमिंग और आइसोमेरिज्म अगले सेशन में और डिटेल में देखते हैं ठीक है चलो ठीक है गिवन दैट गिवन दैट चलो ठीक है हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा सैटरडे को इसी सेम टाइम पर ठीक है चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ठीक है आई होप यू हैव अब कैसे अवेल करना एक चीज देखना मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा ये पीपीटी शेयर कर दूंगा अब बेटा कैसे अवेल करना है वेदांतों की बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी को अगर आप एक ड्रॉपर है कितने बच्चे यहां पर ड्रॉपर है चार्ट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे यहां पर प्रैक्टिस रिवीजन के लिए आए थे अपने नाम के आगे लिख दो 21 मैं समझ जाऊंगा और जो बच्चा नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखेगा अपने नाम के आगे लिख दो 2022 मैं समझ जाऊंगा प्लीज मेक श्योर यू हेल्प मी हियर 21 22 ऐसे अपने नाम के आगे लिख दो मेरे लिए आसान हो जाएगा समझना ठीक है बढ़िया तो इस साल जो बच्चे दे रहे हैं वो भी हैं यहां पर इस सेशन में और नेक्स्ट ईयर वाले ट्वेल्थ क्लास के बच्चे भी हैं ठीक है देखो बेटा अगर आप एक ड्रॉपर है मेरा हार्ड कोर रिकमेंडेशन अगर आपका परसेंटाइल 90 से कम था लास्ट अटेम्प्ट में सो गो फॉर दिस क्रैश कोर्स और इसका प्राइस भी अब बहुत डाउन हो गया फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का पड़ेगा आपको अभी स्टार्ट हुआ है अट्ठाइस तारीख को ठीक है आज क्या तारीख हो गई थर्टीएथ हो गई राइट तो यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग फोर्टी पावर पैक सेशन है आप देखो पूरी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर इस लिंक में सब कुछ दे रखा 45 है फोर्टी पावर अच्छा पैक सेशन है अट्ठाइस तारीख से शुरू हो रहा है अमेजिंग सेशन है बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ पढ़ाई जाएगी विद प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्लास के अंदर फिर सीबीटी मोड पर टेस्ट होते हैं सारे डिटेल एनालिसिस जाएगी और आप क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ रिवाइज करोगे जो पढ़ाया है आप क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज करोगे सीबीटी मोड पर ठीक है ट्वेंटी मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं यहाँ लिखा हुआ है दस हजार का जैसे ही आप लिखोगे बाय नाउ क्योंकि आपने मेरी वीडियो के नीचे क्लिक करके ये लिंक लिया है बेटा आपको अपने आप कोड लग जाएगा वहां पर और सीधे साढ़े चार हजार का डिस्काउंट राइट उजेंड फाइव हंड्रेड यूज एनी मोड ऑफ पेमेंट हाँ बीच में आपसे ये एक लॉग इन आई डी क्रिएट करने के लिए बोलेगा तो ढंग से क्रिएट करना उसी के थ्रू आप लेक्चर देख पाओगे वेदांतों की साइट पर ठीक है समझ आई ये बात इसी तरीके से बेटा जो बच्चा नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिख रहा है मैं उसको जरूर बताना चाहूंगा एक दो चीजें यहां पर ही मैं यहाँ ही बताता हूँ इन्हीं स्लाइड से बताता हूँ ज्यादा क्लियर होंगी इसमें बड़े सारे ऑप्शन है चेक दिस आउट तो हमारी ये जो वेदांतों की प्रो सब्सक्रिप्शन है यहाँ सारी क्लासेस लाइव हैं जो पढ़ाया जाता है सब डाउनलोड कर सकते हो असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको आपको बेटा यहाँ पर हम प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी देंगे वो आप पूरा सॉल्व करोगे असाइनमेंट सॉल्व हो गए उसके बाद टेस्ट लिए जाएंगे टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है वो मम्मी पापा के साथ शेयर की जाएगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी आपको बेटा पर्सनल टीचर भी अलॉट किया जाएगा वेन यू गो फॉर प्रो प्लस थोड़ी एक्सपेंसिव है वो सब्सक्रिप्शन क्योंकि आपको एक पर्सनल टीचर मिलता है जो सिर्फ आपके लिए अलॉट होता है एंड उनका काम ये रहता है कि जो भी एकेडमिक फ्रंट पे आपके मिस्टेक्स है आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो सब कुछ सही हो जाए ठीक है क्लियर हुआ क्लास के अंदर बेटा क्लास टीचर का सपोर्ट भी मिलेगा मास्टर टीचर तो है ही है क्लास में हर एक चीज आपकी डाउट सॉल्व करने के लिए क्लास टीचर एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया कभी मास्टर टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आपको पुराने टॉपिक में डाउट आया एंड मास्टर टीचर इज इन बिटवीन तो आप क्लास टीचर से भी पूछ सकते हो कि वो मास्टर टीचर अभी

इंस्टीट्यूट में तो यहां पर बेटा हम बोल रहे हैं कि हम आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे हम आपके अंदर वो यू you नो know, जो आपका लक्ष्य है हम उसको हम प्रॉपर आपकी मदद करेंगे टू अचीव योर गोल पर आपको लगता है कि नहीं सर ये एक एक्स्ट्रा चीज वेदान कर रहा है आपको लगा नहीं सर मुझे इंप्रूवमेंट आई नहीं टेक योर मनी बैक नो क्वेश्चन वुड बी आस्ट हम इतने श्योर हैं अपनी अपनी क्वालिटी पे कि बच्चा जब हमारे साथ जुड़ेगा तो उसका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट उसमें आने वाला है अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं है

कि मुझे मजा आएगा यहाँ पर या नहीं यहाँ पर सारी क्लासेस लाइव हैं टेस्ट आपको एनालिसिस मिलेगी टेस्ट होंगे आपके असाइनमेंट्स दिए जाएंगे डाउट आप दी जाएगी पर यू नो डाउट नहीं दी जाएगी एम सॉरी डाउट डाउट क्लास के बीच में जरूर पूछ सकते हो पर डाउट ऐप नहीं मिलेगी आपको डाउट ऐप आप भी चेक करनी है गो फॉर प्रो क्लास है यहाँ पर डाउट ऐप का फीचर मिल जाता है आपको लगता है नहीं सर मेरा इलेवेंथ भी बहुत खराब है तो गो फॉर प्रो प्लस यहाँ पर आपको पर्सनल टीचर का सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सपोर्ट मिलता है दिस इज योर मंथली प्राइस चेक दिस आउट ठीक है आपको लगता है कि पीटीएम चेक करनी है मुझे मुझे चेक करना है कि यहाँ पर क्या नाम है पर्सनल टीचर दिया जाता है या नहीं मुझे चेक करना है कि यहाँ पर यू नो डाउट ऐप कैसा है टीचर का रिस्पॉन्स कैसा है तो बेटा गो फॉर प्रो Plus. अगर आपको लगता है नहीं मुझे पर्सनल टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है गो फॉर प्रो क्लासिक आपको लगता है सिर्फ मुझे टेस्ट करना है कि लाइव क्लासेस कैसी है कम एन चेक विथ प्रो लाइट तीन महीने का सॉरी वन मंथ का ये आपको प्राइस दे रखा है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड विच इज वेरी गुड और ये पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है दिस दिस इज योर एनुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस तो चेक कर सकते हो आई एम नॉट सेइंग गो फॉर एकदम से खरीद लो नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको अपने आप संतुष्टि आएगी आप एक महीने का लेकर देखो आप अपने आप कहोगे सर मजा आ गया एंड आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर द बिगर वर्जन क्योंकि मेरे को यहाँ पर लर्निंग आउटकम दिखा समझ पा रहे हो तो ट्राई इट फॉर वन मंथ एंड फील द डिफरेंस की हाँ देर कैन बी अ अफुल डिफरेंस इन योर लर्निंग आउटकम ठीक है समझ आ गई ये बात समझ आ गई बेटा क्लियर हुआ ट्राई इट फॉर योर सेल्फ एक महीने का प्रो प्लस प्रो क्लासिक या प्रोलाइट आई होप इट इज क्लियर ठीक है मजा आया समझ आ गई सारी चीजें हाउ टू अवे लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया क्लिक करना इसके थ्रू आपको सीधे मिल जाएगा वेबसाइट इज हंड्रेड परसेंट सिक्योर ठीक है क्लियर हो गई बात ठीक है ऑल राइट सी यू नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल अगली क्लास में नेमिंग करेंगे और आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे चलो बाय बाय